गोलियां बरस रही थी, कहीं रॉकेट छूट रहे थे, कहीं पाकिस्तानी सेना के बंकर उड़ रहे थे, कहीं पाकिस्तानी सेना के हथियार डिब्बों में बम फूट रहे थे। आज छोटी दिवाली के मौके पर भारतीय सेना ने एलओसी पर जोरदार तरीके से बड़ी दिवाली मनाई। ऐसी जोरदार आतिशबाजी की कि धुआं सिर्फ पाकिस्तानी सेना के बंकरों से नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के कानों से भी निकला होगा। तो गुड 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 ऑन टारगेट, गुड, बहुत बढ़िया मोटे, ओके, रिपीट 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 मोटे, रिपीट मोटे, रिपीट। आप थोड़ा ऊपर लो, ये तो बैंग ऑन गया ऊपर है ना। छोटी दिवाली के दिन भारतीय सेना ने एलओसी पर पाकिस्तान की रावण सेना को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो कम से कम अगली दिवाली तक तो नहीं भूलेगी। भारतीय सेना के इस एक्शन से पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की कई चौकियों को नेस्त नाबूद कर दिया गया है। पाकिस्तानी सेना के बंकर, ईंधन डंप और लॉन्च पैड भी नष्ट हो गए हैं। भारतीय सेना की इस कार्रवाई में पाकिस्तान के 7 से 8 सैनिक मारे गए हैं। इनमें पाकिस्तान स्पेशल सर्विस ग्रुप के भी 2-3 कमांडो शामिल हैं। पाकिस्तानी सेना के करीब 12 सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। हमारी फौज ने आज करारा जवाब दिया है। वी हैव हिट बैक विद वेंजेंस। 7 से 8 इनके मारे जा चुके हैं, 14 से 15 घायल हुए हैं और अभी कल परसों तक और खबर आ जाएगी। अगर ये इस तरह दिवाली के टाइम करेंगे तो मेरा एक भूतपूर्व सैनिक की हैसियत से आह्वान है हमारे लड़कों को जो वर्दी में है, दिवाली मनाओ बच्चों, 155 मिलीमीटर गन्स के साथ मनाओ। हाँ, 155 मिलीमीटर तोप, मल्टी बैरल ग्राउंड रॉकेट लॉन्चर्स, मार्च, पिनाका, दागो सब इसके ऊपर, ताकि होश हवास के ठिकाने आ जाए। भारतीय सेना की यह जबरदस्त गोलाबारी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई है जिसने दिवाली से ठीक पहले एलओसी पर अलग अलग इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन किया। कुपवाड़ा, उड़ी, गुरेज और केरन सेक्टर में आतंकियों की घुसपैठ करवाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के मंसूबों को नाकाम कर दिया। 7 नवंबर की रात को माछिल सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम करते हुए 3 आतंकी मार गिराए, लेकिन पाकिस्तानी सेना अपनी हरकतों से पास नहीं आई। शुक्रवार की सुबह एलओसी पर पाकिस्तानी सेना ने भारतीय गांवों पर गोले और मोर्टार दागने शुरू कर दिए, जिसमें भारतीय सेना के 3 जवान और 4 निर्दोष नागरिक मारे गए, जिसके बदले में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठानी। और लगे हाथ सेना ने एलओसी पर दिवाली और दशहरा दोनों मना लिए, क्योंकि अब भारतीय सेना को पाकिस्तान के हर गुनाह का हिसाब करने की खुली छूट है, वो भी ऑन द स्पॉट। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव अपने चरम पर है। दरअसल शुक्रवार सुबह से ये तनाव जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर शुरू हो गया है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ और भारतीय सेना का कहना है कि घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश हुई केरन सेक्टर कुपवाड़ा में, और उसके बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ, गोलीबारी हुई, फायरिंग हुई और जिसकी जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना ने भी अलग अलग इलाकों में की। पहली बार हुआ है कश्मीर में सालों में जब पूरे जो उत्तरी कश्मीर के जितने भी नियंत्रण रेखा के सेक्टर है, चाहे कुपवाड़ा हो, चाहे बारामूला हो, चाहे बांडीपोरा हो, तीनों जिलों में जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका आता है वहां पर जबरदस्त गोलीबारी भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक भी चल रही है। अभी तक जो खबरें सामने आई है उसके अनुसार सेना के 2 जवान भी शहीद हुए, बीएसएफ का 1 जवान भी शहीद हुआ और साथ ही साथ 4 आम नागरिक भी नियंत्रण रेखा के अलग अलग इलाकों में गोलीबारी में मारे गए हैं। और इसके करारे जवाब में भारतीय सेना की तरफ से जो हुई है पाकिस्तानी इलाकों में, वहां पर भी पाकिस्तानी सेना का और पाकिस्तानी इलाकों का भी बड़ा नुकसान हुआ है। भारत की दिवाली को काली करने की कोशिश करने वाली पाकिस्तानी सेना पर भारतीय सेना ने बम मार मार कर न सिर्फ उसे मुंहतोड़ जवाब दिया है बल्कि भारत पर बुरी नजर रखने वाले पाकिस्तान का मुंह भी काला हो गया है। पाकिस्तान लगातार
एलओसी के ऊपर जो सीज फायर का वायलेशन करके हमारे सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रहा है, पाकिस्तान आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की साजिश करता है, जिसको हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की हर साजिश को हम विफल करेंगे और मुंह तोड़ पाकिस्तान को जवाब दिया है भारतीय सेना के जवानों ने। ऐसा है कि पाकिस्तान की फितरत है कि इस प्रकार की गोलीबारी समय समय पर करता रहता है, लेकिन हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है उनको और उनके भी बहुत से सैनिकों को मार गिराया है। दिवाली के मौके पर भारतीय सेना को ना चाहते हुए भी ऐसी आतिशबाजी का मौका देने वाली पाकिस्तानी सेना को अब पछतावा तो जरूर हो रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर वो एलओसी पर अपनी हरकतों से अब भी बाज नहीं आया तो कल बड़ी दिवाली है जिसे मनाने के लिए भारतीय सेना की पूरी तैयारी है, जिसका धमाकेदार ट्रेलर भारतीय सेना ने आज पाकिस्तान को दिखा ही दिया है। आज तक ब्यूरो।